चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद मलिक और आप लोग देख रहे हैं मलिक अंसांस टीवी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुल्क यूनान के बारे में, जिसको ग्रीस भी कहा जाता है। ये पहाड़ों और समंदरों से घिरा हुआ है। इसकी सरहदें तुर्की और बल्गारिया से मिलती हैं। इसका समंदरी इलाका इसकी मीशत में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ इसकी तहजीब का भी एक अहम हिस्सा है। यूनान तीन अतराफ से पानी की से गिरा हुआ है और इसके एक तरफ खुश्की है। यूनान में तकरीबन 2000 के करीब जज़ायर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जज़ायर जो कि यूनान से दूर हैं और तुर्की के करीब हैं, लेकिन इन जज़ायर पर यूनान का ही कब्जा है। जगराफियाई लिहाज से देखा जाए तो यूनान एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ एशिया, यूरोप और अफ्रीका के रास्ते मिलते जुलते हैं। 2011 में यूनान की आबादी तकरीबन 11 मिलियन थी। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस अपनी कदीम तहजीब की वजह से अपनी हैसियत खुद रखता है और बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यूनान के दो तिहाई से ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं। यूनान सियाहों के लिए इतनी अहम जगह है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि तकरीबन हर साल 16.5 मिलियन लोग यूनान का रुख करते हैं। यूनान का शुमार यूरोप के इन मुल्कों में होता है जहां पर बहुत ज़्यादा तादाद में पहाड़ मौजूद हैं। यूनान का तकरीबन 80% इलाका पहाड़ी है और यूनान का सबसे बड़े पहाड़ की ऊंचाई 9,750 फुट है। यूनान की कौमी जबान ग्रीक है, जो तकरीबन 500 कबल मसीह से बोली जा रही है। यूनान की करेंसी यूरो है। यूनान यूरोपीय यूनियन का रुकन भी है। यूनान का शुमार यूरोप के ममालिक में होता है जहां बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यूनान का शुमार उन मुल्कों में होता है जिनके पास इस वक्त आसारे कदीमा के अजायब घर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। हर साल शुमाली कोरिया से यूनान का सफ़र हज़ारों परिंदे करते हैं। यूनान के परचम में दो रंग हैं, नीला और रंग यूनान के पानी और यूनान के आसमानी रंग को जाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग आज़ादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद की अलामत है। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।